आप इधर देख सकते हो, मेरे पास यहाँ एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो मूव पर भी नहीं मूव हो रहा है। इंस्टीट क्या हो रहा है, सिर्फ एक पाइवट मूव हो रहा है, पाइवट कुछ सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। इफेक्ट ऑब्जेक्ट ओनली, ओके देख सकते हो अब मूव होगा इधर। पहले क्या था हमारा प्रॉब्लम, इधर देख सकते हो अब यहाँ हम यहाँ पर गए थे हायरार्की। देख सकते हो हायरार्की यहाँ पर आपका अगर इफेक्ट पायोट ओनली अगर रहा तो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट जो है, यानी सपोज मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ, या आइसोलेट के लिए आप Alt और Q इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऑब्जेक्ट जिसको मुझे सिंपली मूव करना था, इंस्टेड क्या हो रहा था, सिंपल पाइवट ही मूव हो रहा है, पाइवट ही मूव हो रहा है। आपका भी हुआ होगा, तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आपको सिर्फ यहाँ पर जाना है। फर्स्ट वाला तो हमारा क्रिएट मॉडिफाई, थर्ड वाला हायरार्की, हायरार्की में जाना है और क्या करना है, यहाँ पर इफेक्ट ऑब्जेक्ट ओनली पर क्लिक करना है। देन क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा मूव होने लगेगा। ओके आप इसमें ये व्यू में भी देख सकते हैं, आइसोलेट रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट आराम से मूव कर रहा है। ओके गाइस, और दूसरी बात, इस पर भी अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ तो और एक मेथड है, आप जरूर यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर नीचे स्पेस बार। ओके स्पेस बार से अगर आप एक्सीडेंटली आपके हाथ से स्पेस बार क्लिक हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो लॉक हो जाता है। इसके लिए आपको स्पेस बार क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये लॉक तो नहीं। ओके लॉक हो तो अनलॉक कर दें, और दूसरी बात पाइवट जो है इसको चेक करना है इफेक्ट ऑब्जेक्ट ओनली पर, और थर्ड जो हमारा मेथड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो तीसरा मेथड है जो रेयरली होता है लेकिन कभी कभार हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको यहाँ पर जाना होगा कस्टमाइज और प्रेफरेंस में जाना होगा। ओके यहाँ पर जाना होगा, देन आपको जाना होगा एनिमेशन टैब। ओके एनिमेशन टैब जूम करके दिखा देता हूँ। ओके इस तरह से एनिमेशन टैब, देन आपको यहाँ पर क्या करना है, रिस्टोर टू फैक्ट्री सेटिंग पर क्लिक करके आपको सिर्फ क्लिक करना है ओके पर। देन उसके बाद आपको अपना 3ds Max रिस्टार्ट करना है। ओके थर्ड मेथड तो ये हो गया, और फोर्थ मेथड जो है आप सिंपली ट्राई कर सकते हैं इन इनिशियल स्टेज ओनली, अगर पाइवट और स्पेस बार काम नहीं किया तो सिंपली आप क्या कर दें, 3ds Max को रिस्टार्ट कर दें, ना कि रीइंस्टॉल, वे रिस्टार्ट कर दें। अगर इस पर भी आपका जो प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये जो दिक्कत है या प्रॉब्लम है जो कॉमन लोगों में आती ही है, कॉमन सा बात है, अगर आप बिगनर है तो आपको तो जरूर ये प्रॉब्लम फेस करनी होगी। ओके तो सिंपली ये स्टेप फॉलो कीजिए, अगर फिर भी ये मेथड से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए, वी विल बी रिस्पॉन्स टू दैट कमेंट। ओके बाय बाय।